पीड़ित को नहीं मिल रहा न्याय, अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगातार काट रहा है पीड़ित। आगरा थाना मलपुरा के गांव खुटाबली का पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगातार काट रहा है, लेकिन करीब 40 दिन से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल सका है। आपको बता दें, घटना 3 सितंबर की शाम की है, जब दिनेश पुत्र दशरथ निवासी कुटावली अपना खेत जोतने के लिए गया था। इसी समय गांव के ही प्रदीप उर्फ भोला नवीन उर्फ टिंगू उसे शराब में नशीला पदार्थ देते हैं, उसके बेहोश होने पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, उसके ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ा देते हैं, जिससे दिनेश की आंतें भी बाहर आ जाती हैं और एक किडनी पूरी तरह खराब हो जाती है। जब परिवारजनों को पता चलता है तो वह सतर्क रह जाते हैं और दिनेश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं। दिनेश के परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस प्रदीप उर्फ भोला की गिरफ्तारी कर पाई है, जब अन्य आरोपी नवीन खुलेआम घूम रहा है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार को आरोपियों द्वारा धमकियां लगातार मिल रही हैं, यदि मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा सलूक होगा। पीड़ित परिवार पुलिस कमिश्नर आगरा से भी मुलाकात कर चुका है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस कहती है कि उन पर ऊपर से दबाव है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती है। आखिर ऐसा कौन सा दबाव है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है? अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है और पीड़ित को न्याय कब दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मीडिया न्यूज। कहाँ के निवासी? हम गांव नगला खुटावली बाद कगुआ थाना मलपुरा आगरा। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरा भाई दिनेश, जो कि गांव का नवीन उर्फ टिंकू और उसका साथी भोला, वो खेत जुतवाने के बहाने मेरे भाई को ले गया था और वहाँ पे मेरे भाई के साथ झगड़ा किया था। उसके पहले दारू शराब में पता नहीं कैसा क्या नशीली पदार्थ दी है, वो साथी एक साथ बेहोश हो गया, उसके साथ मारपीट की है, फिर मारपीट करके हमारी ट्रैक्टर को ले गया था, हमारी ट्रैक्टर के सामने पटक दिया है, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है, उससे उसकी सारी आंतें बाहर निकल आई हैं, एक किडनी भी ख़त्म हो चुकी है, डॉक्टर ने मना कर दी है, ख़त्म निकाल दी है। कब की घटना है ये? 3 तारीख की घटना है, 3 सितंबर की शाम 4:30-5 बजे का समय था। थाने में कोई शिकायत की? थाने में हमने तहरीर दी है, आज 38-40 दिन हो गए, कोई मतलब एक तो उसी दिन पकड़वा दिया था और दूसरा पंजीकृत हो गया, मुकदमा लिख गया है, मुकदमा संख्या 304, धारा 307-323, और दूसरा जो नवीन उर्फ टिंकू है वो फरार चल रहा है अभी। और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं थाने में चौकी पे, तो वो कहते हैं हमारे पास ऊपर से दबाव है, पता नहीं कौन सा दबाव है उनके पास। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं प्रशासन से। क्या नाम? मेरा नाम दशरथ सिंह है। कहाँ के निवासी? नगला खुटावली के। क्या घटना घटी? बेटा के हमारे के पूरी आंत में फट गई है और किडनी निकल गई है, हम बहुत परेशान हैं। कैसे निकल गई है? ट्रैक्टर चढ़ा दिया मैं मोड़ा लड़के के ऊपर। बोला ने। कब की घटना है ये? 3 तारीख की। थाने में कोई शिकायत कराई? हाँ, शिकायत है भैया, लड़के शिकायत ले गए, हम तो बच्चे को उठा के ले गए, हमें जाने के जो बेहोशी में हम तो पहुँच गए, बोले कि भैया ये एकदम हमारे बच्चा संग क्या हो गया, हमें इतनी देख अभी तक किसी जिंदगी में देखा नहीं है, जो इस हालत में देख कर हम तो भी घबरा गए, डर गए, हमें इतना पता नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है ये हमारे चक्कर में। पहले से कोई रंजिश थी क्या? पहले से कोई रंजिश नहीं थी, बच्चा का बेला पकड़ा करके उसको नशा पता करा करके उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। तो कौन कौन ले गए? ये टिंकू और भोला, जो दोनों जने। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस दे रही, लाशवाही दे रही है पुलिस, और क्या कर रही है, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अगर हमें न्याय मिलते तब तो दूसरा अरेस्ट हो जाता, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। उसकी किडनी भी खराब हो गई? हाँ, किडनी भी खराब है और उसके आंत भी सब भी बेकार हो गई हैं, पैर भी टूट दिया, पहले पैर पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, फिर उसके बाम चढ़ा कर दिया, पेट फाड़ दिया पूरा। पेट किससे फाड़ा है? कल्टीवेटर, ट्रैक्टर में कल्टीवेटर जो हल चलते हैं खेत जोतने के लिए।